दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। देखिए, मैं अपने काम में लग चुकी हूँ और हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं वही सब करने के लिए आ गई हूँ। और देखिए, मेरा बेड भी कितना गंदा हो गया है, तो मैं इसको साफ करने के लिए आई हूँ और मैं अपने काम में लगूँगी। अब कुछ नहीं हुआ है मेरा काम घर का, तो अभी मैं बाबू को सूर ला के अभी आई हूँ। दोस्तों देखिए, मेरा बाबू सो गया, अब ये सो गया था, मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, कुछ कपड़ा सब मैं साथ रही हूँ, सबको मैं इस पे रख लेती हूँ। देखिए दोस्तों, अभी नहीं हुआ है मेरा काम घर का, तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। मैं अभी बेड तैयार करूँगी। बेड देखिए कितना गंदा हो गया है, तो मैं इसी को मैं तैयार करूँगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे अलमारी जो है, जिसमें मैं जिस पर मैं कुछ कुछ रखती हूँ, मेकअप का सामान सब, तो वो कितना गंदा हो गया है, तो मैं उसी को साफ करूँगी। देखिए, दुर्गा पूजा का समय आ गया है, तो उसी में तो घर द्वार साफ होगा ना, घर सब साफ करूँगी। अभी थोड़ा हाथ मार लेती हूँ, कुछ ज़्यादा गंदा हो गया है। हमारे डुग्गू जो है ना, वो बहुत बदमस्ती करती रहती है, वही सारा सामान को वहाँ से वहाँ कर देती है। और देखिए, ब्रश कर लिए हैं, कहीं पे रख देती है। दोस्तों देखिए, मैं अपने कपड़ा सब साफ कर रही हूँ। बाबू सोता है, तो इसके लिए वही पन्नी बिछाती हूँ बिस्तर पे। अब तकिया सब मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, कि मैं बेडशीट को अब झाड़ूंगी साफ से, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा है। दोस्तों देखिए, इसके मैं बाहर से साफ करके ला ली हूँ, ला दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा गंदा है। डुब्बू जो है ना, हमेशा इसे खिलाती रहती हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा काफ़ी गंदा हो जाता है। और बाबू भी हैं, तो दोनों साथ में मिलकर खिलाती हैं हमेशा। तो सुबह के टाइम में तो हर एक आदमी अपना घर में सो के उठते होंगे, तो बिस्तर साफ करते होंगे ना, तो इसीलिए मैं बिस्तर साफ कर रही हूँ। और देखते रहिए, बिस्तर तैयार हो गया, मैं बिस्तर को तैयार कर दिया बेड को, और यहाँ पे मैं तकिया लगाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, तकिया भी लगा दिए, और हमारा मतलब घर में कुछ धुंधला टाइप का आ जाता है, तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा टाइप का आ जाता होगा ना। तो देखिए, मेरा घर यही है, और इस पर बहुत कपड़ा ज़्यादा रखा है, मेरे बाबू का सबसे ज़्यादा और डुगू का कपड़ा है, तो इसको मैं अभी तैयार करके रख दिए हैं। और यहाँ पर हमारे कपड़ा है, तो मैं अब जा रही हूँ छत पर, कुछ कपड़ा है तो वो इनको पसारने के लिए, सुखाने के लिए। आज धूप ज़्यादा नहीं है, तो देखिए कितना सारा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, तो वही मैं जा रही हूँ छत पे धूप में देने के लिए। और मेरे बाबू का सारा पेंट जो है ना, वो सारा भिगा हुआ है, तो देखिए मैं जाऊँगी छत पे। तो दोस्तों देखिए, मैं छत पे आ गई, मैं जा रही हूँ छत पे। दोस्तों देखिए, मैं सारा कपड़ा पसार दिए सूखने के लिए, बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो मैं सब सारा कपड़ा सूखने के लिए दे दिए। और देखिए, मैं छत पे आई हूँ, और कितना अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है छत पे, नीचे बहुत गर्मी लग रहा है, तो इसीलिए मैं छत पे आई हूँ कपड़ा पसारने के लिए। तो मैं कुछ हवा लगा लेती हूँ, बहुत गर्मी है ना। और देखिए, हमारे छत पे कितना अच्छा फूल का पौधा लगा है, तो देखिए आप लोग भी देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा पौधा है, रोज रोज है ना, रोज वही का पौधा है, फूल वही है।
तो देखिए मैं अब जा रही हूँ नीचे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मेरे घर में खाना भी नहीं अभी तक बना है, तो मैं अब जा रही हूँ खाना की तैयारी करूँगी। तो आप लोग बने रहिए, मैं खाना बनाऊँगी तो वहीं का कुछ वीडियो बना लूँगी। और देखिए मैं जा रही हूँ नीचे, तो देखिए यही हमारे घर में बनेगा आज सब्जी, तो सब्जी बनाने के लिए मैं बैठूँगी। तो ये आप लोग जानते होंगे ना क्या है ये, जिसे घेरा बोलते हैं, तो बाज़ार से लाए थे तो वही आज बनेगा। और देखिए मैं अब जा रही हूँ दाल बनाने के लिए, तो दाल को तैयारी करूँगी। तो दोस्तों देखिए दाल बनाने के लिए आ गई हूँ मैं, दाल इसमें ले लिए हैं, अब इसको पहले धोएंगे अच्छा से, अच्छी तरह से धो लेंगे, इतना दाल लिया है। तो इसको मैं अब कुकर में इसमें डालूँगी, देखिए इसमें प्रेशर कुकर में, और फटाफट जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट हो गया है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे बाबू उठ जाएगा तो वो ज़्यादा परेशान करना करता है रहता है। और तो मैं जा रही हूँ, और उसके बाद दाल बनाऊंगी, दाल गैस पे मैं चढ़ा दूंगी, और उसके बाद सब्जी काट लूँगी, तो सब्जी काट लूँगी, तो उसके बाद चावल मैं बनाऊंगी। तो किसी का दाल हो तो उसको धो के बनाना चाहिए, देखिए कितना गंदा निकल रहा है, तो मैं इसीलिए धो लेती हूँ दाल को, तो धो के बनाना चाहिए ना। उसके दूध के पानी से मैं धोती हूँ, तो दोस्तों देखिए अच्छी से साफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया, चमकने लगा ये। तो इसमें मैं पानी डालूँगी जितना मन होगा उतना, क्योंकि जितना से हो जाएगा दाल घर में उतना डाल दूँगी पानी, और इसको इसमें रख देंगे, और नमक हल्दी डाल देंगे, और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तब तक दोस्तों बने रहिए, मैं दिखाऊँगी आगे का कार्यक्रम क्या सब होगा, वही दिखाऊँगी। दोस्तों देखिए मैं इसको सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ, और ये छिलने वाला है तो मैं इससे छिलूँगी, इसमें छिलका रहता है तो इसको छिल देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको छिल के बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छिलका रहता है। और देखिए दोस्तों हमारा सब्जी भी तैयार होने वाले हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत छिलका रहता है, तो कोई आदमी ऐसा भी है वो छिल के ही बनाता है, मैं जब बनाती हूँ तो मैं छिल के ही बनाती हूँ। इसको हल्का से यहाँ से काट देना चाहिए, कि पता है तो पत्ता में काट लेती हूँ मैं। उसको देखिए मैं इसको काट लिया, मैं जा रही हूँ धोने के लिए। तो देखिए मैं इसको साफ से धो के ला लिए हैं, ला दिया है, तो अच्छी तरह से साफ हो गया, मैं इसको काटूंगी अब। केस छोटा छोटा काट रही हूँ, तुम्हारे घर में आज यही बनेगा इतना बड़ा बड़ा का सब्जी। तो देखिए मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए, जिसे मैं आप लोग को दिखाए थे, देखिए आज यही घीरा बनेगा, घीरा का सब्जी। तो मैं इसमें तेल डाल देंगे पहले, अधिक सा मात्रा में डालेंगे, आप लोग को जितना मर्जी जितना सब्जी रहता है उसी के हिसाब से तेल डाला जाता है। तो देखिए इसमें डाल दिए हैं, और देखिए हम पाँच फोरना ले लिए हैं, जिसे पाँच फोरना बोलते हैं, तो मैं इसमें डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा ये हल्का सा लाल हो जाएंगे, जल जाएगा तो हम दे देंगे। इस कड़ाह में बहुत तेल बहुत कम दिख रहा है ना, लेकिन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे तो मिल जाएगा, तो जल्दी ये लाल हो जाएगा ना, तो मैं
घेरा को जो काटे थे तो उसमें डाल देंगे। अभी नहीं हुआ है ये, अब शायद होने वाले ही हैं। तो दोस्तों देखिए हरा मिर्च ले लिए हैं, पहले हरा मिर्च इसमें डाल देंगे। ये भी फ्राई हो गया, इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए प्याज काट लिए हैं तो प्याज इसमें डाल देती हूँ मैं। प्याज भी डाल दिए, इसको फ्राई होने देंगे, लाल हो जाएगा। तो जीरा जो है हम जीरा काटे हैं उसको जीरा को डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें नमक डाल देंगे, जीरा में नहीं डालेंगे तो प्याज ही में डाल देते हैं, क्योंकि प्याज में डाला जाता है तो अच्छी तरह से मिल जाएंगे, क्योंकि घीरा में डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा लगे रहते हैं। तो दोस्तों देखिए हल्दी भी डाल देती हूँ मैं इसमें, हल्दी भी डाल देती हूँ इसीलिए क्योंकि इसमें मिल जाता है सारे अच्छी तरह से। और देखिए ये फ्राई हो गया तो इसमें मैं घीरा डाल दूँगी। देखिए यही का सब्जी बनाऊँगी आज, डाल दिए। दोस्तों अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब कितना अच्छा लग रहा है। पहले हल्दी नमक डाल दिए प्याज में ही, तो कितना अच्छा लग रहा है घीरा का सब्जी। तो मैं थोड़े देर ढक देती हूँ मैं, तो इसमें पानी छूट जाएंगे। तो मैं इसको थोड़े देर के लिए मैं ढक देती हूँ। कितना पानी छूट गया है, इसको ढक दिए थोड़ा देर तो कितना पानी छूट गया। इसको बहुत टाइम लगेगा जलने में, पानी अधिक से ज़्यादा है। कितना अच्छा बन रहा है देखिए, और ये सीज भी गया। चीज़ ले लिया है, इसमें नया चीज़ डाल देंगे। ये डाल के मैं आज बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए थोड़ा सा डाल दिए, खाते ही मज़ा आ जाएगा, कितना अच्छा लगता है ये खाने में। तो मेरा सब्जी तैयार हो गया दोस्तों, थोड़ा सा गरम मसाला मीट मसाला डाल देंगे तो और काफ़ी अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज हम नया तरीका से क्या सब्जी बनाए हैं, नया चीज़ डाल के बहुत मज़ा आता है खाने में ये। दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ ब्लॉग, तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।